नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। आज के टाइम पर सड़क पर चलते समय आप सभी को और भी ज्यादा फोकस्ड होकर और सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि आपके एक छोटी सी गलती से हुआ छोटा सा भी एक्सीडेंट कब सामने वालों को गुस्सा दिला दे और कब वो अपने गाड़ी से उतरकर आपको मारने पीटने लगे कुछ पता नहीं होता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपने रिसेंट में ही चैनल के वीडियोस में देखे होंगे और लगातार ये चीजें इंडिया में बढ़ती जा रही हैं। लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में भी वो लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। रिसेंटली कर्नाटका से एक भाई ने ये वीडियो शेयर किया था जो इन्होंने मैंगलोर में किसी जगह पर रिकॉर्ड किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं बीच सड़क पर एक बलिनो और इनोवा खड़ी हुई है और बलिनो के पैसेंजर्स इनोवा के लोगों से कुछ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये नॉर्मल बातचीत नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है ये भाई लोग कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हैं। अब इसका रीज़न क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी वीडियो में आप देख सकते हैं धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बातचीत करते करते बलिनो के और भी लोग गाड़ी से बाहर उतर आए हैं और इनोवा को साइड में लगाने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि जब चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं और बलिनो वाले कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं इनोवा के पैसेंजर्स पर, तब इनोवा के पैसेंजर्स भी बाहर उतरते हैं और एकदम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। This is going to be worse, bro. Like, next level worse. What the fuck is even going on, bro? There has to be something. Bro, this is getting f***ed up. This is getting f***ed up. इस गाड़ी में करीब 5-6 लोग बैठे होंगे और सभी एक साथ बाहर उतर आए हैं। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है, लेकिन वीडियो के लास्ट में ये भाई जो हैं उनकी नज़र पीछे पड़ जाती है और वो देख लेते हैं कि अंदर से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इस वजह से वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हालांकि कार के ड्राइवर जब इन लोगों से पूछते हैं तो इन्होंने बोला कि हमारा आपस का मैटर है, आप जाइए। तो भाई भी यहाँ पर आपस का मैटर था या फिर कोई और मैटर था उसके बारे में तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बीच सड़क पर लड़ाई झगड़ा कर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और यही सारी चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और लोग अपने कंट्रोल से बाहर भी हो जाते हैं। खैर, अगला वीडियो भी कुछ ऐसा ही है जिसे दिल्ली से एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक 4-लेन रोड है और इस पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, जिस वजह से इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। 20-25 के स्पीड लिमिट में इन गाड़ियों को चलाया जा रहा होगा। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह पर ये सामने चल रही व्हाइट कलर की एमएज की ड्राइवर सडन ब्रेक अप्लाई कर देती हैं, जिसके वजह से पीछे से आ रहे कुछ बाइक्स वाले अनकंट्रोल हो जाते हैं और एक दूसरे में लड़ जाते हैं। हालांकि इन्होंने सडन ब्रेक क्यों अप्लाई किया वो तो नहीं पता, हो सकता है इनके आगे चल रही गाड़ी भी रुकी हो या फिर हो सकता है अचानक से कोई गाड़ी के सामने आ गया हो। कोई ऐसे सड़क पर चलते चलते अपने आप ही तो ब्रेक लगाएगा नहीं। खैर, ये टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ, बाइक वाले गिरे नहीं है, बस थोड़ा बहुत एक दूसरे में लड़कर फंस गए हैं और इसमें किसी को चोट भी नहीं आई है। लेकिन अब इस छोटी सी बात पर पीछे वाले ये दो भाई लोग जो स्प्लेंडर पर बैठे हैं वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए और ये भाई लोग गाड़ी का पीछा करते हैं और इसके बगल में आकर ड्राइवर से बदतमीजी करते हैं। इस गाड़ी को एक लेडी चला रही होती हैं और वो इन लोगों की हरकतों को देखकर अपनी गाड़ी को रोकती नहीं है बल्कि सीधा चली जाती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये भाई लोग जबरदस्ती गाड़ी को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह पर तो ये गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गए, हालांकि कार ड्राइवर ने गाड़ी के स्टेयरिंग को लेफ्ट घुमाया और आगे निकल गई। लेकिन ये भाई लोग इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, ये बार बार गाड़ी के सामने आ रहे थे और एक जगह पर सामने आकर इन लोगों ने कार को रुकवा ही लिया। अब भौकाल से ये लोग गाड़ी से नीचे उतरे हैं और लेडी ड्राइवर के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, हालांकि ये चीज़ें गाड़ी में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। डैश कैम वाले कार के ड्राइवर सीधा चले गए थे।
लेकिन भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो ये भाई लोग खुद नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती गाड़ियों के पीछे पीछे घुसकर चलेंगे तो ऐसा सिचुएशन तो क्रिएट होगा ही। नॉर्मल सी बात है, कई सारी गाड़ियां आगे चल रही हैं तो ड्राइवर कहीं ना कहीं सडन ब्रेक अप्लाई करेगा ही। और इस चीज़ के लिए ही आपको बताया जाता है कि हमेशा गाड़ियों से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसी कोई चीज़ नहीं हो रही थी। एकदम गाड़ी से चिपक कर ये चल रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी कोई बड़ा नहीं हुआ, छोटा मोटा हुआ। दूसरी चीज़, ये हेलमेट को हाथ में लेकर चल रहे हैं, तो पहले ये खुद नियम कानून को फॉलो करें, फिर दूसरों से ऐसे बात करें। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कई बार काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, और लोग इन सब चक्कर में एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं, जो चीज़ आपको अगले वीडियो में साफ दिख जाएगा। ये वीडियो भी दिल्ली का ही है और इसे भी वहीं के एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से दिल्ली के पश्चिम विहार फ्लाईओवर से होते हुए जा रहे थे। इस जगह भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और गाड़ियाँ काफ़ी नॉर्मल स्पीड में चलाई जा रही हैं। अब इन्हीं में आप इस स्कूटी वाले भाई साहब को भी देख सकते हैं, जो डैश कैम वाले कार को लेफ्ट साइड से ओवरटेक किए हैं और फ़ोन पर बात करते हुए चल रहे हैं। नो डाउट यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड कम है, लेकिन फ़ोन के वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसको रखने वखने के चक्कर में इनका ध्यान सामने से हट जा रहा है। हालांकि एक जगह पर इन्होंने अपने फ़ोन को अंदर रख लिया है और सीधा चलने लगे हैं, लेकिन तभी होता क्या है, सामने वाली गाड़ियां रुक जाती हैं और ये भाई साहब उसी टाइम लेफ्ट साइड में कुछ और देख रहे होते हैं, जिस वजह से इनका ध्यान सामने नहीं होता है और ये सीधा जाकर इस रेड कलर की i20 के बैक साइड में लड़ जाते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं ये टक्कर भी कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ है, माइनर सा एक्सीडेंट है। स्कूटी सिर्फ i20 के बम्पर में जाकर छुई है, बाकी कुछ और नहीं हुआ है। अगर ये तेज़ रफ्तार में लड़ी होती या इम्पैक्ट तेज रहा होता तो जो राइडर है वो अनकंट्रोल होकर नीचे गिर गए होते, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं था, माइनर सा था। लेकिन फिर भी भाई इनकी इस हरकत से i20 के पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। पैसेंजर्स नहीं, सिर्फ एक पैसेंजर, आप देख सकते हैं को ड्राइवर सीट पर बैठा एक लड़का बाहर उतरा है और उतरते ही इनको बुरी तरह से पीटने लगा है। भाई ने 4-5 तमाचे तो इनको लगा दिए होंगे और ये और भी बुरी तरह से मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी के जो और पैसेंजर्स थे वो सभी इनको छुड़ा रहे हैं और जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये भाई किसी के सुन नहीं रहे, ये सिर्फ इस स्कूटी वाले लड़के को पीटे जा रहे हैं। हालांकि बाद में ये बॉडी बिल्डर भाई साहब उतरते हैं, जो ऐसा लग रहा सीधा जिम से ही आ रहे थे, और बाद में ये उतर कर चीज़ों को शांत करवाते हैं। तब तक इस स्कूटी वाले भाई साहब को काफ़ी ज़्यादा पीट दिया जाता है और ये सिर्फ एक ही लोग करते हैं, बाकी जो गाड़ी के लोग हैं वो सभी बचाने की कोशिश कर रहे थे शुरू से ही। अब भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है और कई सारे लोगों से ये गलतियाँ हो जाती हैं इतने ज़्यादा ट्रैफिक में। नो डाउट यहाँ पर स्कूटी वाले की गलती है, आप देख सकते हैं वीडियो में ये पहले से ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और लास्ट में इन्होंने गाड़ी को ठोक ही दिया है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी को भी इतनी बुरी तरह से बीच सड़क पर पीटने लगेंगे। आपका अगर कुछ नुकसान हुआ है तो आप उस नुकसान के पैसे ले लीजिए, अगर ये पैसे नहीं दे रहे हैं तब इन पर आगे कोई एक्शन लीजिए, लेकिन ऐसे बिना कुछ सोचे समझे सीधे उतर कर किसी को मारने लगना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा ही आपने पिछले वाले वीडियो में भी देखा होगा, जब एक भाई की ब्रांड न्यू आइटन में इस बीट वाले लड़के ने लड़ा दिया था। ये इस पर तो गुस्सा हुए ही थे, साथ में और भी आसपास के लोगों पर चढ़ गए थे बिना वजह के, तो ऐसे सिचुएशन में गुस्से को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उम्र के साथ लोगों को समझदार और मैच्योर बनना चाहिए और सड़क पर चलते समय इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बाकी भाई आपका इन सारे इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अपने आप को बन रही है, क्या कह रहे हो आप?